बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायबरेली जिले में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, लेकिन इस मामले में जिम्मेदारों का रवैया उदासीन है। दरअसल जिले के डी थाना इलाके में धर्म परिवर्तन का खुलासा भी नहीं हुआ था कि इसी बीच बरछावा थाना इलाके से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुमताज नाम के बाइक मैकेनिक ने एक नाबालिग हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फांसी लेकर फरार हो गया, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक लड़की बछरावा की जो नाबालिग है, उसको एक व्यक्ति बछरावा कस्बे का ही उसको लेके चला गया है। इसके विषय में मुकदमा 363/66 का काम करके और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लड़की को ढूंढने के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी लड़की को ढूंढ करके हम उसका बयान करा कर उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई कराएंगे। आपको बता दें, रायबरेली से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़के ने हिंदू लड़की को अपने प्यार में फंसाकर उसको अपने साथ भगा ले गया है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है और मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें, रायबरेली से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम युवक ने नाबालिग हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर फरार करा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, पूरा मामला क्या है ये लव जिहाद का? बिल्कुल, बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक नाबालिग युवती को एक बाइक मिस्त्री था, उसने पहले वहां उसके घर के सामने दुकान खोली और दुकान खोलने के बाद उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया और प्यार के जाल में फंसाने के बाद जब उसके घर में उसके माँ बाप नहीं थे तो उसको बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया। आपको बता दें कि इस तरह के लव जिहाद का मामला सामने आया। पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों में रोज देखा जा रहा है और जो राष्ट्रीय तौर पर इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो और उनके द्वारा लगातार ये जिम्मेदारों को निर्देश भी दिया जा रहा है कि जहां लव जिहाद के मामले सामने आए उन पर कड़ा रुख अख्तियार करें। लेकिन आपको बता दें, रायबरेली जिले में देखा जा रहा है कि चाहे धर्म परिवर्तन के मामले हो, लव जिहाद के मामले हो, लगातार सामने आ रहे हैं और इस पर लगातार रायबरेली पुलिस सवालों के घेरे में खड़े हुए। बता दें, इस बछरावा थाने क्षेत्र में लव जिहाद मामला आने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भी रोष देखने को मिला और उनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि अगर पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री तक जाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, परिजनों के द्वारा जिस तरह से बताया गया है कि पहले जो मिस्त्री है उसकी दुकान यहाँ पे नहीं थी, उसने पहले यहाँ दुकान खोली और दुकान खोलने के बाद वो उसकी निगाहें लगातार उसकी तरफ रहती थी, लेकिन उनको किस तरह की जानकारी नहीं हो पाई और जब वो लोग किसी एक कार्यक्रम में गए हुए थे तो वो मिस्त्री जो था वो साफ तौर पे नाबालिग बिटिया को उनके पहला फुसला कर घर से भगा ले गया। जी जी राजू, अब तक क्या कुछ कार्यवाही हो चुकी है इस मामले में? बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी का कहना है कि पूरे मामले में FIR दर्ज की ली गई है थाने में और इसके बाद टीमें भी गठित की कर दी गई है, जिसके बाद जल्द ही जो आरोपी है वो पुलिस के गिरफ्त में होगा। जी राजू, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। उनतीस दिसंबर को नीतीश फिर बनेंगे JDU अध्यक्ष। नीतीश फिर से पार्टी पर बनाना चाहते हैं पकड़। JDU अध्यक्ष ललन सिंह ने बैठक बुलाई, 29 दिसंबर को इस्तीफा दे सकते हैं ललन सिंह। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि 29 दिसंबर को ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। ललन सिंह बैठक में इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश फिर से पार्टी पर बनाना चाहते हैं पकड़। JDU अध्यक्ष ललन सिंह ने बुलाई बैठक। 29 दिसंबर को इस्तीफा दे सकते हैं ललन सिंह। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि 29 दिसंबर को ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। साथ ही बता दें आपको, नीतीश फिर से JDU में अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि ललन सिंह होने वाली बैठक में अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं।
जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बैठक बुलाई है और बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस बैठक में ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं और साथ ही नीतीश फिर से अध्यक्ष बन सकते हैं जेडीयू के। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में पार्टी नेताओं को विवादित बयान देने से बचने की नसीहत दी थी। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली में जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने हिंदू धर्म को एक धोखा बता दिया, जिसके बाद विवाद तेज हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हिंदू धर्म एक धोखा है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में अपने आदेश में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। एक दो महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा, लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। हिंदू सबल के सपा सांसद डॉक्टर शफीक उरान हमान बर्क ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन पर किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे, बल्कि उद्घाटन वाले दिन वे अल्लाह से जाबरी मस्जिद वापस लाने की दुआ करेंगे। सपा सांसद ने कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए फैसले को गलत बताया। वहां पर हमारी मस्जिद थी जिसे खत्म कर दिया गया, उसको जबरदस्ती ताकत के बल पर खत्म कर दिया गया है। कोर्ट में उसका मुकदमा भी गया, लेकिन इसका फैसला हमारी उम्मीद के खिलाफ गया और अब वहां पर मंदिर बनाने के आदेश दिए गए। उन्होंने कहा, हमारी मस्जिद को शहीद कर मस्जिद मंदिर बनाया जा रहा है और ये कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीक उरान हमन बर्क ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन पर मेरी मस्जिद जो कि वहाँ बन एक ज़माने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल ख़त्म कर दिया गया और ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिसमार कर दिया और ख़त्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ और यहाँ तक के अब उस पर यानी मंदिर बनने का आदेश हो गए। तो ये उस पर सोने पे सुहागा और ये किया कि मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, रुक करेंगे खबरों का। रायबरेली के सुलान कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली और कार के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अवैध मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टर ट्रॉली से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि रात के समय हाईवे पर खनन माफिया सक्रिय हो जाते हैं। पंजाब के मोगा में रात 10:30 बजे कोटकपुरा बाईपास ब्रिज पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली रेत लेकर पुल के ऊपर से गुजर रहा था कि तभी पीछे चली आ रही घोड़ा ट्रॉली से टक्कर हो गई
और हादसे में ट्रैक्टर चालक की पुल से नीचे गिरने से मौत हो गई। हालांकि घोड़ा ट्रॉली चालक का बच गया, वे फंस गया था और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला गया। वहीं घायल हालत में उसे सिविल अस्पताल मोगा में ले जाया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समाज सेवा सोसाइटी अगेकड मोगा 24 घंटे सेवा समर्पित आ, जिथे के अज कोटपुरा बाईपास नेड़े रेलवे ब्रिज के उपर जो रेता ना भरिया ट्राला पुल नूं क्रॉस कर रहा सीगा, जिहदे कि पिछों ओवर स्पीड कह लो जां किस तरां दा वी जिहड़ा होया ते वीर ने ट्राले वाले नूं लिया के पिछे ट्राली दे पिछे मारिया, जिस दे नाल की कहीए वी जिहड़ा ट्रैक्टर चालक सीगा पुल तों थले डिग पिया ते गंभीर सट्टां लगियां ते उस नूं वी सिविल हस्पताल मोगा विखे पहुंचाया गया वा। जिहड़े कि गल करिए ट्रक ड्राइवर बिलकुल ठीक आ, जिहड़ा दा कनैक्टर सी पूरी तरह फसया होया सी, बहुत ही जद्दोजहदी ते जिहड़ा कि जिन्ना वी कह लो भी महला निवासी कह लो जां राहगीरी कह लो सारिया भरावां दे पुलिस प्रशासन दे सहयोग दे नाल ते जिहड़ा कि उहनूं बाहर कढ़िया गया ते हुण उस वीर नूं समाज सेवा सोसाइटी दी एमरजेंसी गड्डी राहीं सिविल हस्पताल मोगा विखे पहुंचाया गया। रायबरेली में अचानक मौसम ने करवट बदली है और लोगों के साथ साथ सड़कों पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। घने कोहरे और सर्द हवाओं के साथ मौसम में हुए अचानक परिवर्तन से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं और आने जाने वाले राहगीर भी जल रहे अलाव का सहारा ले रहे हैं। बता दें कि घना कोहरा होने के चलते सड़क पर विजिबिलिटी घटी है, जिसके चलते सड़कों पर चलने वाले वाहन पीली लाइट जलाकर धीमी रफ्तार में चलने को मजबूर हो गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी के कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद सोनकर के खिलाफ गांव में विरोध के सुर उठने लगे हैं। पूरे हजारी गांव में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और सांसद भारत संकल्प यात्रा लेकर पहुंचे थे, जिनका गांव में घुसते ही गांव की महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। साथ ही गांव की सड़क पर खड़े होकर लोगों ने सांसद का रास्ता रोका और साथ ही इस दौरान लोगों ने सांसद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। विरोध के दौरान हालत बिगड़ते हुए देखकर स्थानीय थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सांसद को गांव से सुरक्षित बाहर निकाला। अलीगढ़ के खैर थाना इलाके के कस्बा स्थित पड़ाव मैदान में एक मामला सामने आया है, जहां अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल सुबह तड़के मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त करने की काफी कोशिश की, लेकिन फिलहाल कोई पहचान नहीं हो सकी है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई। नववर्ष के अवसर पर श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की, जिसमें कहा गया कि दर्शनार्थी मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए गए रूट चार्ट और नियमों का पालन करें और भीड़ के समय वृद्ध, दिव्यांगजन, छोटे बच्चे और बीमार व्यक्तियों को मंदिर परिसर में ना लाएं। वृद्ध और बच्चों की जेब में नाम, पता, फोन नंबर की पर्ची जरूर लिखकर रखें, ताकि किसी भी परिजन के बिछड़ने पर सूचित किया जा सके। इसके साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधियों अथवा वस्तु की सूचना अपने पास खड़े सुरक्षा कर्मचारी या पुलिस कर्मचारी को दें। बता दें कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। लखनऊ के केशव नगर पुलिस चौकी के पास स्थित कबाड़ मंडी में भीषण आग लग गई, जिसमें मौजूदा लकड़ियों के सामान जलकर खाक हो गए। इस दौरान फर्नीचर की कई दुकानों का सामान भी जलकर राख हो गया।
बता दें कि यहां पर गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग होती थी और आसपास कई वाहन और बसें खड़ी होती थी। घटना की सूचना पाकर दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।